इस वीडियो में हम लॉजिक ईआरपी सॉफ्टवेयर में एक्सचेंज और रिटर्न प्रोसेस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मान लीजिए कि कोई कस्टमर किसी आइटम को एक्सचेंज करने आता है उस स्थिति में आप सेल बिल में ही रिटर्न दर्ज कर सकते हैं नए आइटम का नाम एंटर करें और पुराने आइटम को एक्सचेंज करने के लिए एंटर रिटर्न पर क्लिक करें जैसे ही आप लॉट नंबर का चयन करते हैं दर्ज की गई आइटम से संबंधित सेल बिल डिस्प्ले करने वाली एक विंडो दिखाई देगी उस सेल बिल का सिलेक्शन करें जिसके अगेंस्ट आइटम वापस किया गया है इस तरह आप आसानी से बिल में आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं यदि कस्टमर किसी आइटम को एक्सचेंज करने आया है लेकिन नया आइटम इस समय उपलब्ध नहीं है इस केस में लौटाई गई वस्तु के समान अमाउंट का क्रेडिट नोट कस्टमर को जारी किया जाता है जिसे बाद में बिल में रिट्रीव किया जा सकता है इस प्रकार का क्रेडिट नोट सेल चालान रिटर्न में जनरेट किया जा सकता है चालान रिटर्न जनरेट करने के बाद हम सेल बिल पर वापस जाएंगे और चालान को बिल में रिट्रीव करेंगे चालान रिट्रीव करने की प्रक्रिया सरल है कस्टमर डिटेल्स दर्ज करें और रिट्रीव चालान बटन पर क्लिक करें चालान सर्च करें और उस चालान को सिलेक्ट करें जिसे आप बिल में रिट्रीव करना चाहते हैं उसके बाद नया आइटम दर्ज करें कस्टमर को केवल दो आइटम्स के बैलेंस का भुगतान करना होगा आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब